बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख के आईने में खुश आमदीद। नाजरीन, हमने खिलजी सल्तनत के अरूज व जवाल की दिलचस्प दास्तान का सिलसिला शुरू किया है, जिसके पहले दो हिस्से हम YouTube पर नशर कर चुके हैं। तीसरा हिस्सा शुरू करने से पहले पहले दो हिस्सों की झलक पर गौर करते हैं, जिसमें गयासुद्दीन बलबन की 40 साल हुकूमत के बाद इसका पोता मुइज़ुद्दीन के कोबात तख्त नशीन हुआ, जो के बाद में अपनी अय्याशियों और शराब नोशी के बायस फारिज के मर्ज में मुब्तला हुआ। बाप की नसीहत पर अमल करते हुए मुइज़ुद्दीन ने अपने दुश्मन निज़ामुद्दीन को मौत के घाट उतारा। फिर जलालुद्दीन फिरोज शाह के नायब मुकर्रर होते ही वो मुइज़ुद्दीन का दुश्मन हो गया और मुइज़ुद्दीन का बेटा शमसुद्दीन तख्त नशीन हुआ। अब नाज़रीन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सलाहियत और कारकर्दगी में इन सब से कहीं आगे थे। एतमर कचन और एतमर सुरखा ने चंद दूसरे तुर्क अमीरों के साथ मिलकर फैसला किया कि ऐसे अमीरों से जो हकीकत में असल तुर्क नहीं है, तमाम ताकत छीन ली जाए और उनको मौजूदा अहदों से बरतरफ कर दिया जाए। उन्होंने ऐसी तमाम अमीरों की एक फहरिस्त तैयार कर ली थी, जिसमें जलालुद्दीन का नाम सरे फहरिस्ता नहीं, इसलिए वो अपने हामियों के साथ बहारपुर रवाना हो गया। जलालुद्दीन के राजधानी के फरार की वजह से तुर्क अमीरों ने जलालुद्दीन का खात्मा करने का फैसला किया। इतमर कचन इसको जाल में फंसाने और बहारपुर से किलो घड़ी लाकर कमसिन बादशाह शमसुद्दीन के सामने कत्ल करने के लिए एक मुख्तसर फौजी दस्ते के साथ रवाना हुआ। अब जलालुद्दीन को इस साजिश का पता लग चुका था, इसलिए कचन जैसे ही इसके महल में पहुंचा, इसको घोड़े की पुश्त के साथ खींच लिया गया और जलालुद्दीन ने उसी वक्त उसकी गर्दन उड़ा दी। नासरीन, कचन के कत्ल से दोनों जमातों में दुश्मनी की आग भड़क उठी। जलालुद्दीन के बहादुर और शुजा बेटे 50 सवारों के साथ बड़ी तेजी से दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कमसिन बादशाह को पकड़ लिया और दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन के बेटों को भी लेते आए। दस्त बदस्त जंग शुरू हुई। जलालुद्दीन का बड़ा बेटा इख्तियारुद्दीन घोड़े से गिर पड़ा। सुरखा ने इस पर 2-3 वार किए, खुशकिस्मती से कोई वार मोहलिक साबित ना हुआ। इसी दौरान इख्तियारुद्दीन ने अपनी तलवार सौंत ली और एक ही वार में एतमर सुरखा की गर्दन उड़ा दी। नाजरीन, कमसिन बादशाह का अगवा दिल्ली के अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तमाम शहरी की बगावत पर आमादा हो गए। वो शहर के 13 दरवाजों से निकल खड़े हुए। उन्होंने फैसला किया कि शहनशाह के फर्जंद को खिलजियों की चंगुल से आज़ाद करवाएंगे, लेकिन कबल इसके कि वो शहर की दीवारों से आगे बढ़ें कि मुल्कुल उमरा बदायूं दरवाजे पर जम कर खड़ा हो गया। इसके अपने बेटे जलालुद्दीन के कब्जे में थे, अपने अजीज़ों की खातिर वो इससे कोई लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता था। अवाम की अक्सरियत तो वापस चली गई, लेकिन चंद तुर्क अमीरों और मुल्कों की बड़ी तादाद ने अपने कायदीन की मौत और अपने मकसद की नाकामयाबी से दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार जलालुद्दीन से अपनी वफादारियां वाबस्ता कर ली। इनके दस्तों ने खिलजी सिपाहियों की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया। नाज़रीन, इस हिस्से में आपको बताते चले कि अब जलालुद्दीन सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया था, क्योंकि तुर्क उमरा की ताकत टूट चुकी थी। कम उम्र बादशाह इसके कब्जे में थे और मफलूज मुइज़ुद्दीन मौत की कशमकश में मुब्तला था। शमसुद्दीन के अगवा के 2-4 दिन के बाद जलालुद्दीन ने तुर्किश नामी एक शख्स को केलो घड़ी भेजा कि वो मरते हुए सुल्तान को कत्ल करके अपने बाप की मौत का इंतकाम ले, जिसको कभी मुइज़ुद्दीन ने कत्ल किया था। वो शख्स महल में दाखिल हुआ और इसने सुल्तान के जिस्म को एक कालीन में लपेटा, कई लाते मारी और इसे जमुना में फेंक दिया। इस तरह दरिया आखिरी अलबरी सुल्तान के जिस्म को बहा ले गया। ये वाकया 1 फरवरी 1290 में पेश आया। जलालुद्दीन ने शमसुद्दीन को बहारपुर में तख्त नशीन किया। कुछ दिनों तक तो जलालुद्दीन शमसुद्दीन को दरबार में लाता रहा, इसको तख्त पर बिठाता रहा और खुद वजारत की फराइज सरंजाम देता रहा। मगर हर शख्स ये जानता था ये सिलसिला ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। तो नाज़रीन सामईन, आज के तीसरे हिस्से को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।
अगले हिस्से को एक और नए सस्पेंस के साथ आपके सामने जल्द हाजिर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश भी सुनिएगा कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। तो जहां से मुख्तार को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।